Saloni, and today I am going to teach you chapter 2 factor and multiples exercise 2A. In last video we have learned about the how to calculate the LCM with the two different methods, that is prime factorization and long division method. So in exercise 2A, first question is find the LCM of the numbers given below. इस क्वेश्चन में आपको मेथड गिवन नहीं है तो आप दोनों में से कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास नंबर्स हैं 42 एंड 63. सो 42 का सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगी. सो ये चलाएगा वो 2 से 2 उसके बाद ये चलाएगा आपका 3 से 3 एंड 7 ऐसे ही आप 63 का निकालेंगे तो 63 को 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है. 3 2 जो 6 3 1 जो 3 नेक्स्ट है आपका 3 7 जो 21 एंड 7 1 जो 7. तो यहां पे आपको क्या लिखना है, 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपके 2 into 3 into 7 एंड 63 के हैं 3 into 7. तो यहाँ पे देखिए जो नंबर आपका मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है उसे हम लेंगे. इतने से यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1 into 7 की पावर 1 और यहाँ पे आपके 3 की पावर 2 into 7 की पावर 1. तो यहाँ पे देखिए हम जब इसका निकालेंगे LCM of 42 and 63 equals to 2 की पावर, देखिए मैक्सिमम इसमें 1 ही है तो 2 ले लेंगे, into 3 की पावर मैक्सिमम 2 है तो 3 की पावर 2 ले लेंगे, और 7 की मैक्सिमम पावर 1 है तो 7 ले लेंगे. अब उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 की टेबल यहां पर 3 की पावर 2 है, यहां पर तो 3 3 जा 9 and 9 7 जा 63 and 63 2 जा 126 कर लेते हैं. 63 126 ठीक है. तो LCM जो है आपका वो आ गया है 126. नेक्स्ट है 60 एंड 75. तो यहाँ पे सबसे पहले हम 60 का निकाल लेते हैं. 2 3 जा 6 एंड 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 3 5 जा 15 5. यहाँ पे 60 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं आपके 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1 into 5 की पावर 1. नेक्स्ट आपका 75 का निकालते हैं, 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 में आता है तो 3 2 जो 6 3 का जो 15 और 5 से चलाए 5 टाइम में एंड 5 बन जाए 5. यहाँ पे 75 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 3 की पावर 1 into 5 की पावर 2. LCM of 60 and 75 equals to, यहाँ पे देखिए 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 2 into 3 की मैक्सिमम पावर 1 है तो 3 की पावर 1 into 5 की पावर मैक्सिमम 2 है तो 5 की पावर 2 equals to, इसको कर लेते हैं 5 से 25
तो यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 20 इक्वल्स टू 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की मैक्सिमम पावर इसमें है 2 और 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 और 3 3 जा 9, तो 4 9 जा 36 एंड 36 5 जा 30, 3 करेंगे 15, 15 18 180। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 36, 60 एंड 72। सबसे पहले 36 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 1 2 2 2 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। नेक्स्ट है आपका 60, तो 60 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 30 2 15 30, 3 5 15 एंड 5 1 5। 72 के निकालते हैं, 2 6 6 2 12, 2 1 2 2 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। यहाँ पे हम निकालेंगे 36 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 60 के फैक्टर्स जो हैं वो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और 72 के जो आए हैं वो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। एलसीएम ऑफ 36, 60 and 72 equals to, यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर है 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की मैक्सिमम पावर है 2 एंड 5 का मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो 5 ले लेंगे इक्वल्स टू 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40 and 6 9, तो ये जगह 0 9 4 36 360। तो इसी बेस पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवा रही हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके होमवर्क वाले ग्रुप में, तो मैं इनको सॉल्व करके दे दूँगी, अदरवाइज एटलीस्ट आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। नंबर 1 ही कंप्लीट करवाया है, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसमें आपको फाइंड करना होगा एचसीएफ एंड एलसीएम, ये दोनों ही फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड का, बट कैसे करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आपको इस चैप्टर को मींस इस चैप्टर एक्सरसाइज 2E के क्वेश्चन नंबर अप टू 9 तक होमवर्क में कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू। And bye, stay safe and stay at home.